होली आए और घर में मोहनथाल ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। तो आज मैं मोहनथाल बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने परात के अंदर 1 किलो बेसन ले लिया है, उसे छान के रेडी कर लिया है। तो यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये हल्का सा दरदरा सा बेसन है ये। तो यहाँ पे मैंने आधा कप घी लिया है। अब इसके अंदर 1 कप गुनगुना दूध डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद में बेसन को मिक्स कर लेंगे मोइन के अंदर। तो यहाँ पे दोनों हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मोइन मिक्स हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डो लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हाथों पे हल्का सा घी लगा लिया है। अब इसके मुट्ठी बनाएंगे हाथ में लेके, और यहाँ अंगुलियों की सहायता से प्रेस करेंगे। तो इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरह से सारी मुट्ठियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए सारी मुट्ठी बना के रेडी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का गुनगुना ही करेंगे। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो गया है, तो ये हल्का सा गुनगुना हो गया है घी। तो अपनी मुट्ठियाँ डाल देंगे इसके अंदर। तो जितनी आएगी उतनी इसके अंदर डाल देंगे मुट्ठी। अब हल्का सा कलर चेंज हो गया है नीचे से, तो इन्हें पलट देते हैं। अब इन्हें हिलाते हिलाते रहेंगे और पलटते रहेंगे इन्हें बार बार में, ताकि ये एक तरफ से जले नहीं, चारों तरफ से इनका सुनहरा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कलर चेंज होने लग गया है और अच्छा सा कलर भी आ गया है इनका। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से सारी मुट्ठी निकाल लेंगे। अब इसके अंदर दूसरा बैच डालेंगे। तो जितनी आएगी उतनी ही डालेंगे, ताकि ये आराम से सिक जाए। तो अब इन्हें पलट देंगे, एक तरफ से हल्की सी सिक गई है। तो ऐसे ही अलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे इनको। ये देखिए सुनहरा सा कलर हो गया है। तो अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से सारी मुट्ठी निकाल के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए अब मुट्ठियों को तोड़ देते हैं, तो ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। उसके बाद में इन्हें पीसेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इनके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है अपना। तो अब यहाँ पे मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर सारी मुट्ठियाँ डालेंगे। अब इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे पीस लेंगे इसे। तो यहाँ पे मैंने सारी मुट्ठी पीस के रेडी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके अंदर जो पीसी हुई मुट्ठी थी वो डाल देंगे। और इस तरह से जो मोहनथाल बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी मोहनथाल बनता है फ्रेंड्स। और इस तरह से आप भी ज़रूर बना के देखिए। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए बिना घी के ये रोस्ट करेंगे इसे।
अब यहाँ पे 1 कप घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे 1/2 कप घी और डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने बेसन का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे अपना बेसन सिक के रेडी हो गया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक परात के अंदर अपना बेसन सिका हुआ निकाल लेंगे और यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर यहाँ पे चाशनी के लिए पानी डालेंगे 2 गिलास। तो ये मेरा गिलास है जो 250 ग्राम का है। तो यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 पा चीनी ली है। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो बेसन के अंदर 3 पा चीनी ली है। तो अब इसे अच्छे से हिलाते हुए मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अपनी चाशनी उकलने लग गई है। तो इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। तो ये ऑरेंज फूड कलर है, तो 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे येलो फूड कलर डालेंगे 1 पिंच। तो यहाँ पे दोनों को मिक्स करने के बाद में अच्छा सा कलर आ जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों फूड कलर डाले हैं। तो यहाँ पे मैं 1 तार की चाशनी बना लूँगी। अगर आपको मूंग थाल की थिकनेस हल्की सी ढीली रखनी हो तो आप 1/2 तार की चाशनी बना सकते हो। मेरे को क्या चक्की काटनी है, तो मैं 1 तार की चाशनी बनाऊँगी। तो ये देखिए अपना 1 तार बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स, अपनी चाशनी रेडी हो गई है। तो अपना जो भुना हुआ बेसन था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस को भी बंद कर दिया है। तो यहाँ पे 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा ठंडा होने के बाद में इसकी थिकनेस कैसी हो गई है, अब ये जमाने लायक हो गया है। तो इसमें यहाँ पे थाल में मैंने घी से ग्रीस कर लिया था, अब इसके अंदर सेट कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसके अंदर अच्छे से सेट कर लेंगे हिला के। और इसी तरह से मैंने यहाँ परात में भी निकाल के रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने 2 बर्तनों में निकाल लिया है। अब यहाँ इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बादाम कतरन ली है और यहाँ पे नारियल का बुरादा ले लिया है, वो लगा देंगे। अब इसे रेस्ट देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि अपना मौन थाल अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 घंटे बाद में अपना मौन थाल अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको चाकू से काट लेंगे और बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है ये फ्रेंड्स। और इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल स्मूथ सा है इसका टेक्सचर। तो ये देखिए पीस निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मौन थाल बना है। आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसकी थिकनेस।